दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करने के साथ हम पांच स्टॉक के बारे में जानेंगे जो मैंने प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, आप ये वीडियो को पूरा देखिए, आपको काफी सारे टेक्निकल नॉलेज मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट पैटर्न ओपन किया है और ये निफ्टी 50 का चार्ट पैटर्न के हिसाब से इसका जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, 8 to 9 ट्रेडिंग डे ये कंटिन्यू हायर हाई हायर लो बना के ये ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन 2-3 दिनों से एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर ये मूव किया और देखिए अभी ये कंसोलिडेशन फेज को ये तोड़ के ये दोबारा ऊपर की तरफ जाने लगा है। दोस्तों, अगर आप ए टू बी और सी टू डी का मेथड को अप्लाई करोगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी शुरू हुआ था 11,600 लेवल के आसपास और ये 12,750, आप 700 ले लीजिए, 12,700 लेवल मतलब 1000 पॉइंट 1100 पॉइंट ये ऊपर की तरफ गया। उसके बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने के लिए मिला। तो दोस्तों, ये जो मेथड है ये ए टू बी रेंज के अंदर आ गया, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज पे आने के बाद 12,600 से दोबारा ये ऊपर की तरफ जाने लगा है। अगर ये सी टू डी का मेथड फॉर्म करता है तो हमको कुछ दिनों के अंदर मार्केट 13,700 ये लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, मेजर चांस है मार्केट इसी लेवल से ऊपर की तरफ ही जाएगा। इसीलिए दोस्तों, हम अगर कोई भी पोजीशन बनाएंगे, हम बाइंग का पोजीशन बना के ही जाएंगे। और देखिए, लास्ट ट्रेडिंग डे पे ये जिस टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है, ये एक हैमर टाइप का पैटर्न है और ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल को ऑलरेडी तोड़ के ऊपर की तरफ आके क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों, मेजर चांस से मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, निफ्टी फ्यूचर के ऊपर और बैंक निफ्टी फ्यूचर के ऊपर हम किस टाइप का ट्रेड बनाएंगे, किसी लेवल के आसपास एंट्री करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट किसी लेवल के आसपास रहेगा, उसके बारे में डिटेल्स पे जानते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर का चार्ट पैटर्न ओपन किया है। तो निफ्टी फ्यूचर का चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखिए दोस्तों, ये जो छोटा सा कंसोलिडेशन फेज निफ्टी फ्यूचर के ऊपर देखने के लिए मिल रहा था ये रेंज के आसपास, और देखिए अगर आप उसका वॉल्यूम को देखोगे दोस्तों, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन देखिए इसका वॉल्यूम कंटिन्यूअसली नीचे नीचे जा रहा था। तो यहाँ पे क्लियर सिग्नल मिल रहा था मार्केट ज़्यादातर नीचे नहीं जा पाएगा, और देखिए मार्केट अभी ऊपर की तरफ आ चुका है, मतलब इसका प्रीवियस ट्रेडिंग डे से ऊपर आके क्लोजिंग दिया है, लेकिन देखिए इसका वॉल्यूम कितना हाई आ रहा है। तो मेजर चांस रहेगा इसी लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल ड्रॉ करके देखोगे, मैंने यहाँ की फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ तो हमको एक एक्चुअल लेवल पता चलेगा मार्केट कितना ऊपर तक जा सकता है। देखिए दोस्तों, 61.8% लेवल 13,400 रेंज के आसपास आ रहा है, तो मिनिमम एक महीना के अंदर या दो महीना के अंदर हमको आराम से 13,400 का लेवल देखने के लिए मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लियर बाइंग का सिग्नल फॉर्म हो रहा है, इसलिए दोस्तों हम जो भी ट्रेड लेंगे हम बाइंग का पोजिशन बना के जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न ओपन कर लेता हूँ। और देखिए, अगर हमको बाइंग का पोजीशन बनाना है तो जब मार्केट इसी रेंज से ऊपर की तरफ आएगा, मैंने सेफ साइड के लिए ये लेबल ले लेता हूँ। देखिए, सेफ साइड के लिए जब मार्केट 12,905 लेबल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आएगा, इसके बाद हम हमारी बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट किसी रेंज के आसपास रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये लेवल के आसपास अगर हम बाइंग करेंगे, 12,860 रेंज के आसपास हमारी स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए, जो स्टॉप लॉस आ रहा है ये लेवल के आसपास, तो ये रेंज के आसपास हमारी स्टॉप लॉस रहेगा।
और जो टारगेट आएगा 13,000 लेवल के आसपास हम टारगेट लेके जाएंगे। दोस्तों मैंने जिस लेवल के आसपास आपको बता रहा हूँ वो लेवल को नोट डाउन करके रखिए, जब मार्केट उसी रेंज के आसपास आ जाएगा उसके बाद आप आपकी पोजीशन बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी निफ्टी बैंक मतलब बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट पैटर्न ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने डेली कैंडलस्टिक पैटर्न इसका ओपन करके बता देता हूँ। देखिए दोस्तों डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ये मार्केट पे देखिए कितना बड़ा अप मूव देखने के लिए मिला, इसके बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज इस पे देखने के लिए मिला और अभी अभी ये कंसोलिडेशन फेज को मार्केट क्रॉस करके ऊपर की तरफ दोबारा जाने लगा है। तो देखिए अगर मार्केट इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाएगा तो किसी लेवल के आसपास जा सकता है और हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट किसी लेवल के आसपास हम लेके जाएंगे। दोस्तों ये जानने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों कल यहाँ पे काफ़ी तेजी से हमको बाइंग देखने के लिए मिला, उसके साथ देखिए यहाँ पे कितना बड़ा वॉल्यूम के साथ ये बाइंग आ रहा है। इसीलिए दोस्तों हाई वॉल्यूम के साथ अगर बाइंग आता है तो हमको उस पर बाइंग करके जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों मैंने एक बार 30 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये जो रेंज था, ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का रेंज यहाँ पे बना हुआ था, देखिए बेसिकली ए लेवल के आसपास जो कि 29,000 लेवल के आसपास इस पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा था और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को कल मार्केट अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देके ऊपर आके क्लोजिंग दिया है। तो देखिए ये जो क्लोजिंग है 29,200 रेंज के आसपास, तो इसी लेवल के आसपास हमको बाइंग करके जाना चाहिए। तो देखिए अगर आप इस पे बाइंग करोगे और आपकी स्टॉप लॉस यहाँ पे 200 पॉइंट के आसपास रहेगा जो कि 29,000, आप थोड़ा नीचे रखिए 28,970 रेंज के आसपास रखिए। तो देखिए यहाँ पे 200 पॉइंट के आसपास 200-250 पॉइंट के आसपास आपकी स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट रहेगा 29,700 लेवल के आसपास आप टारगेट लेके जाओगे। दोस्तों ये लेवल के आसपास मार्केट आने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा जब मार्केट उसी रेंज के आसपास आ जाएगा। और मैंने जितना रिस्क बता रहा हूँ अगर आप उतना रिस्क लेके ट्रेड कर पाओगे तो अभी दोस्तों आप ये निफ्टी बैंक निफ्टी या मैंने जो भी स्टॉक सजेस्ट करूंगा उस स्टॉक पे आप एंट्री कर सकते हो। तो दोस्तों हम ये बेसिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में जान गए। चलिए दोस्तों अभी स्टॉक के बारे में जानते हैं। दोस्तों स्टॉक के हिसाब से मैंने पहला स्टॉक टाटा मोटर को सिलेक्ट किया है। मैंने यहाँ पे टाटा मोटर का चार्ट पैटर्न ओपन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों अगर आप टाटा मोटर का ओवरऑल रेंज को देखोगे तो देखिए काफी दिनों से टाटा मोटर इसी रेंज के आसपास जब भी आता था, जो रेंज आ रहा है 155 रेंज के आसपास, जब भी ये रेंज के आसपास आता था टाटा मोटर्स पे एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा था। और दोस्तों टाटा मोटर्स पे ये ट्रिपल टॉप लेवल के आसपास ये लेवल फॉर्म कर रहा था। देखिए दोस्तों ये था टाटा मोटर्स का ट्रिपल टॉप। डबल टॉप या ट्रिपल टॉप का लेवल बेसिकली सेलिंग प्रेशर क्रिएट करता है, तो इसी लेवल के आसपास ये स्टॉक आने के बाद इस पे भी सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन दोस्तों अगर आप वॉल्यूम को यहाँ पे ऐड करके देखोगे, देखिए प्रीवियस ट्रेडिंग डे से हाई वॉल्यूम के साथ ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल था, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को टाटा मोटर क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ चुका है। इसीलिए मेजर चांस बनता है ये स्टॉक ये लेवल से और तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। इसलिए दोस्तों मैंने टाटा मोटर स्टॉक को बाइंग करने के लिए सिलेक्ट किया है। अगर आप इसका पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, देखिए हमारा अगला टारगेट ये 175 रेंज के आसपास रहेगा। लेकिन दोस्तों इंट्राडे के लिए इतना बड़ा टारगेट लेके हम नहीं जाएंगे। अगर आप इंट्राडे के हिसाब से यहाँ पे देखोगे, मैंने एक बार छोटे टाइम पीरियड पे ये स्टॉक का चार्ट पैटर्न ओपन करके आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों अगर आप 15 मिनट या 30 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करोगे तो जब ये स्टॉक ये 159 रेंज के आसपास आएगा आप आपकी बाइंग का पोजीशन बना सकते हो।
स्टॉप लॉस आपको इस पे 2 पॉइंट रखना पड़ेगा जो कि 157 रेंज के आसपास आ रहा है। मैंने यहाँ पे बता देता हूँ आपका स्टॉप लॉस आएगा ये लेवल के आसपास, तो 157 मतलब 2 पॉइंट के आसपास आपकी स्टॉप लॉस रहेगा। और जो टारगेट रहेगा आप मिनिमम इस पे 4 पॉइंट का टारगेट लेके बाइंग का पोजीशन बना सकते हो, तो 163 रेंज के आसपास आपकी टारगेट रहेगा। तो देखिए आप ये लेवल के आसपास एंट्री करोगे, स्टॉप लॉस 159 और टारगेट 163 पे रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी सेकेंड स्टॉक के बारे में जानते हैं। दोस्तों सेकेंड स्टॉक के हिसाब से मैंने टाटा स्टील स्टॉक को सिलेक्ट किया है। मैंने यहाँ पे टाटा स्टील स्टॉक का चार्ट पैटर्न ओपन कर लेता हूं। देखिए दोस्तों टाटा स्टील स्टॉक के हिसाब से ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल बना के ट्रेड कर रहा था, इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल इसी रेंज के आसपास आ रहा था जो कि बेसिकली 500 रेंज के आसपास आ रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों ये जो वॉल्यूम यहाँ पे प्रीवियस ट्रेडिंग डे पे क्रिएट किया है, इसका लगभग कुछ महीना का वॉल्यूम से ये वॉल्यूम ज्यादा है। तो एक हाई वॉल्यूम के साथ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल भी है, क्योंकि बेसिकली 100 पॉइंट लेवल, 500 पॉइंट लेवल, 1000 पॉइंट लेवल ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से काम देता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का लेवल था 500 लेवल, ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल को ये स्टॉक ऑलरेडी क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ चुका है और एक हाई वॉल्यूम के साथ ये लेवल को क्रॉस कर रहा है। इसलिए दोस्तों मेजर चांस बनेगा ये स्टॉक ये लेवल से और तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये स्टॉक के लिए हमारा अगला टारगेट ये 560 लेवल के आसपास आ रहा है, जो कि 550 से लेकर 560 लेवल के आसपास। इसीलिए अगर हम इस पे इंट्राडे पे कोई भी पोजीशन अगर बनाएंगे तो देखिए किसी लेवल के आसपास हमको इस पे बाइंग का पोजीशन बनाना चाहिए। दोस्तों ये स्टॉक अभी 521.65 रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर ये स्टॉक इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाता है 530 रेंज के आसपास हम इस पे बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। और देखिए हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 7 पॉइंट के आसपास हम इस पे स्टॉप लॉस रखेंगे जो कि 523 रेंज के आसपास आ रहा है। तो देखिए हमारा स्टॉप लॉस बेसिकली ये लेवल के आसपास रहेगा और 14 पॉइंट का टारगेट लेके हम इस पे बाइंग का पोजीशन बना के जा सकते हैं, तो 544 लेवल के आसपास हमारी टारगेट रहेगा। तो देखिए हमारा स्टॉप लॉस 523 लेवल के आसपास और टारगेट 544 लेवल के आसपास हम इस पे बाइंग का पोजीशन बना के जा सकते हैं। और दोस्तों थर्ड स्टॉक के हिसाब से मैंने HDFC लाइफ स्टॉक को सिलेक्ट किया है। देखिए मैंने HDFC लाइफ स्टॉक पे आपको काफी बार बता चुका हूँ ये फंडामेंटली एक अच्छा स्टॉक है, आप इस पे लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके रख सकते हो। दोस्तों HDFC लाइफ स्टॉक के ऊपर देखिए मैंने आपको बताया था हमारा टारगेट, पहला टारगेट 650 एंड सेकेंड टारगेट 750 रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो 650 का टारगेट ये ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो देखिए मैंने ये लेवल के आसपास आपको बताया था, ये लेवल के आसपास जब 615 के आसपास मार्केट था, आपको मैंने बताया था कि 650 हमारा पहला टारगेट है। देखिए मैंने अभी तक इसको रिमूव भी नहीं किया है, तो ये पहला टारगेट अचीव हो गया है और सेकेंड टारगेट हमारा 750 रहेगा जो कि कुछ टाइम लगेगा। आप बेसिकली कुछ महीना लेके चलिए, मतलब अगर आप 3 से 4 महीना लोगे तो ये 750 का टारगेट आ जाना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पैटर्न फॉर्म हो रहा है, एक इंटरेस्टिंग पैटर्न फॉर्म हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हो गया हमारा पहला शोल्डर, ये हो गया हेड और ये हो गया सेकेंड शोल्डर। तो ये बेसिकली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न फॉर्म कर रहा है और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक बाइंग का सिग्नल देता है। तो दोस्तों अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता है तो स्टॉक पे प्रॉपर बाइंग आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के हिसाब से देखोगे तो हमारा टारगेट किसी लेवल के आसपास आना चाहिए। दोस्तों इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का रूल के हिसाब से ये नेकलाइन से ये हेड का जितना डिस्टेंस होता है, तो देखिए 650 से लेकर 400 मतलब 250 पॉइंट के आसपास ये डिस्टेंस है, तो इसी लेवल से ये हमको उतना ऊपर तक ये टारगेट दे देता है। तो
तो देखिए अगर 650 से 250 पॉइंट मतलब 250 पॉइंट अगर ऊपर की तरफ देखोगे तो दोस्तों हमारा टारगेट आ रहा है ये 900 लेवल के आसपास। तो देखिए ये 900 का लेवल आप बेसिकली एक साल का टारगेट लेके चलिए, उससे पहले ये टारगेट आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप एक साल का टारगेट लेके जाओगे ये 900 लेवल के आसपास ये टारगेट आ जाना चाहिए। लेकिन कुछ महीना के अंदर, 2 से 3 महीना के अंदर हमको ये 750 का रेंज हमको आराम से देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए ये लेवल के आसपास ये स्टॉक पे क्लियर सिग्नल मिल रहा है, ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा और प्रीवियस ट्रेडिंग डे पे कितना हाई वॉल्यूम के साथ कितना बड़ा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करके ये ऊपर आके क्लोजिंग दिया है। देखिए दोस्तों अगर आप इसका स्मॉलर टाइम पीरियड चार्ट के ऊपर देखोगे दोस्तों, अगर हमको इसको इंट्राडे पे अगर हम इस पे बाइंग करके जाएंगे तो इंट्राडे का चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखिए जो भी स्टॉक ये जो हाई बना है 675 रेंज के आसपास, जो भी 675 का हाई को क्रॉस करके स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा हम इस पे 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके बाइंग करके जा सकते हैं। तो देखिए अगर आप 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस लोगे तो 668 रेंज के आसपास, तो ये रेंज के आसपास आपकी स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट रहेगा इस पे 14 पॉइंट का टारगेट लेके हम जाएंगे। तो देखिए बेसिकली 689-690 लेवल के आसपास हमारी टारगेट रहेगा। तो दोस्तों ये था थर्ड स्टॉक के बारे में हमारा टेक्निकल एनालिसिस। चलिए दोस्तों अभी फोर्थ स्टॉक के बारे में जानते हैं। दोस्तों फोर्थ स्टॉक का नाम है SBI। देखिए मैंने SBI का चार्ट पैटर्न यहाँ पे ओपन कर लेता हूं। दोस्तों जब SBI स्टॉक 150 रेंज के आसपास था, मैंने आपको बताया था एक साल के अंदर ये स्टॉक 300-330 रेंज के आसपास जाके पहुंच जाएगा। तो देखिए हमारा टारगेट वही है 300 से लेकर 330 रेंज के आसपास। दोस्तों अभी अगर आप ये चार्ट पैटर्न के ऊपर देखोगे एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल को अभी अभी ब्रेक किया है, क्योंकि इसी स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आने के बाद इस पे थोड़ा बहुत सेलिंग पैटर्न देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन इसी रेंज को ये स्टॉक क्रॉस करके अभी देखिए हाई वॉल्यूम के साथ ये ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है और ये देखिए प्रॉपर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है। तो मेजर चांस है इसी लेवल से स्टॉक और तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए अगर ये स्टॉक ये लेवल से ऊपर की तरफ जाता है तो किसी रेंज के आसपास हमारी टारगेट होना चाहिए, मतलब हम किसी रेंज के आसपास एंट्री करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट किसी लेवल के आसपास होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 241 लेवल के आसपास ये क्लोजिंग दिया है, हम इस पे 242 रेंज के आसपास एंट्री करेंगे, हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 2.5 लेवल के आसपास हमारी स्टॉप लॉस रहेगा, तो बेसिकली 239.50 के आसपास हमारी स्टॉप लॉस और 5 पॉइंट का टारगेट लेके हम इस पे बाइंग कर सकते हैं। तो हमारा जो टारगेट रहेगा 247 लेवल के आसपास। दोस्तों मैंने जो ये लेवल बता रहा हूँ आप ये लेवल को नोट डाउन करके रखिए, मार्केट जब उसी लेवल के आसपास आ जाएगा उसके बाद आप इस पे एंट्री बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी फिफ्थ स्टॉक के बारे में जानते हैं। दोस्तों फिफ्थ स्टॉक के हिसाब से मैंने SBI लाइव स्टॉक को सिलेक्ट किया है। देखिए दोस्तों SBI लाइव स्टॉक के ऊपर अगर आप देखोगे ये कंसोलिडेशन फेज के अंदर मूव कर रहा था। देखिए दोस्तों इसी ट्रेड लाइन से नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। अगर आप यहां पे चैनल ट्रेडिंग भी ड्रॉ करोगे, देखिए इसी चैनल के अंदर ये SBI लाइव स्टॉक ट्रेड कर रहा था और अभी ये चैनल को ये क्रॉस करके ऊपर की तरफ आने लगा है। तो दोस्तों मेजर चांस रहेगा इसी लेवल से स्टॉक और तेजी से ऊपर की तरफ आएगा और हमारे लिए जो बेसिक टारगेट होगा ये 900 से लेकर 923 रेंज के आसपास हम इस पे टारगेट लेके जाएंगे। दोस्तों अगर आप एक महीना का टारगेट लेके इस पे एंट्री करना चाहते हो तो आप ये लेवल के आसपास एंट्री करोगे, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 843 रेंज के आसपास और आपकी टारगेट 907 से लेकर 923 रेंज के आसपास रहेगा। तो चलिए दोस्तों इस पे इंट्राडे पे किसी लेवल के आसपास एंट्री कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि देखिए हाई वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आने लगा है। तो अगर आप इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, देखिए दोस्तों अगर आपको इंट्राडे पे एंट्री करना है
बेसिकली 866 रेंज के आसपास, 866 867 ले लीजिए। 867 लेवल के आसपास आप इस पे एंट्री करोगे, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 860 पे, तो 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 14 पॉइंट का टारगेट आपकी रहेगा। तो देखिए इस पे अगर 14 पॉइंट का टारगेट लेके आप जाओगे तो 881 लेवल के आसपास आपकी टारगेट रहेगा। तो देखिए ये लेवल के आसपास आपकी टारगेट आएगा। ये पूरा वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।